से लेके फोर तक के प्रोविजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करते हैं आईपीसी के, इनको थोड़ा समझ भी लीजिएगा, इधर से क्वेश्चन भी बनते हैं। सो सेक्शन टू से लेके टू थ्री और फोर जो है इनको थोड़ा सा समझिएगा, इनके बीच का कोरिलेशन थोड़ा समझिएगा कि सेक्शन टू कहना क्या चाह रहा है, सेक्शन थ्री कहना क्या चाह रहा है और सेक्शन फोर कहना क्या चाह रहा है। सेक्शन टू देखिए जरा बेरेक्ट में, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। हेड नोट ये सारी बात बता देता है कि अंदर क्या लिखा हुआ है कंटेंट में। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, भारत में जो ऑफेंस कमिट होंगे उनका क्या पनिशमेंट होगा। सो एवरी पर्सन शाल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शाल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब कुछ पॉइंट्स यहां पे आप नोट डाउन करिए, इस सेक्शन टू में स्पेसिफिक कोई कुछ बातें हैं जो मुझे आपको कन्वे करनी है। देखो सेक्शन टू किसकी बात करता है, इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी। इंट्रा मतलब देश के अंदर होने वाले, भारत में होने वाले एक्ट पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन टू बता रहा है, क्योंकि यहां क्लियर लिखा है एवरी पर्सन। यहां मैटर ये नहीं करता कि वो व्यक्ति कौन है, वो फॉरेनर है वो इंडियन है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर एक्ट भारत की टेरिटरी में हुआ है तो इट विल बी गवर्न बाय आईपीसी, इसीलिए लिखा है एवरी पर्सन शाल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शाल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो देखिए ये मान लीजिए भारत की टेरिटरी है, अब इसके अंदर जो भी एक्ट हो रहा है चाहे वो कोई भी करे, वो चाहे कोई फॉरेनर करे, वो चाहे कोई इंडिया का सिटीजन करे, कोई भी पर्सन इस टेरिटरी के अंदर कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, तो वो लाइबल है इंडिया में, दैट इज सेक्शन टू। इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। इसके बाद अपन आएंगे थ्री और फोर पे, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन बताते हैं या भारत के बाहर कब एप्लीकेबल होता है आईपीसी या कैसे वो एक्ट्स गवर्न होंगे जो टेरिटरी के बाहर कमिट किए जा रहे हैं, इसके बारे में है थ्री और फोर। इन दोनों के बीच के कोरिलेशन समझिएगा, देखिए लिटरल मीनिंग तो आपने जितनी बार आईपीसी पढ़ा होगा आप समझ गए होंगे, लेकिन इनके बीच में कोरिलेशन है जिसको आपको थोड़ा समझना चाहिए। सो सेक्शन थ्री देखिए, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। अब इस बात को समझिएगा कि सेक्शन तीन एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहा है। तो एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि सेक्शन थ्री जो बात कर रहा है वो ऐसे एक्ट की बात कर रहा है जो इस इंडिया की टेरिटरी के बाहर कमिट हुआ है। ये जो टेरिटरी है इफ दिस इज इंडिया, तो इसके बाहर कहीं कमिट हुआ, इधर कहीं कमिट हुआ, इधर हुआ, यहां कहीं हुआ, भारत की टेरिटरी के बाहर जो एक्ट कमिट हुआ है उस पर कब आईपीसी एप्लीकेबल होगा, ये शुरू तीन से ही हो जाता है। हम नॉर्मली ये समझते हैं कि सिर्फ सेक्शन फोर ये बताता है कि आईपीसी बाहर एप्लीकेबल कब होगा, तो आईपीसी कब बाहर एप्लीकेबल होगा ये सही है, फोर बता रहा है, लेकिन थ्री का भी अपना एक कोरिलेशन है जिससे उस बाहर कमिट होने वाले एक्ट को पनिशेबल हम इंडिया में ऐसे बना रहे हैं एज इफ इट इज कमिटेड विद इन इंडिया। तो सेक्शन थ्री देखिए बेसिकली कह रहा है एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऑफेंस भारत के बाहर हुआ है लेकिन shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner, आगे इस line, इस चीज को underline कर लीजिए, as if such act had been committed within India. Section 3 कहता है कि अगर कोई भी act भारत के बाहर commit हुआ है और अगर वो act India में offence होता या इंडियन लॉ उस पर एप्लीकेबल है, जैसे मान लीजिए यहां एक एक्ट कमिट हुआ और इस एक्ट पे इंडिया का कोई लॉ एप्लीकेबल है, ये जो ग्रीन मैं बता रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन लॉ, मान लीजिए इस एक्ट पे भारत के बाहर ऑफेंस कमिट हुआ है, इस पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या सेक्शन तीन के हिसाब से इसे हम ऐसा डील कर सकते हैं एज इफ इट इज कमिटेड इन इंडिया, द आंसर इज नो। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट जो भारत के बाहर कमिट हुआ है बट इस पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल है, तो सेक्शन थ्री कहता है इसको ऐसे कंसीडर किया जाएगा एज इफ दिस एक्ट हैज बीन और दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड
विद इन इंडिया, अगर उस पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल है तो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब इंडियन लॉ एप्लीकेबल कब होगा इस एक्ट पे। तो इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो एप्लीकेबल हो सकते हैं। अपन अभी बात कर रहे हैं एक्सप्रेसली या स्पेसिफिकली आईपीसी की, तो अपन ये देख लेते हैं कि इन एक्ट पे आईपीसी कब एप्लीकेबल है। अगर इन एक्ट पे आईपीसी एप्लीकेबल हुआ तो सेक्शन 3 के हिसाब से अपन ये समझ लेंगे एज इफ दिस एक्ट हैव बीन कमिटेड विद इन इंडिया। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा भाई? यस बोल के बताते जाना आया कि नहीं, कि सेक्शन 3 है क्या। अपन उसको ऐसे ट्राई कर लेंगे, भले ही वो एक्ट बाहर हुआ है लेकिन अपन उसको ऐसे ट्रीट करेंगे एज इफ इट हैज बीन कमिटेड इंडिया। कब करेंगे? इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, ऐसा ट्रीट तब करेंगे जब उस पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल हो रहा हो, जहां पर्सन लाइबल हो बाय एनी इंडियन लॉ। जो पहली लाइन लिखी है ना, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ, एक्ट भले ही भारत के बाहर हुआ है लेकिन जिस व्यक्ति ने एक्ट किया है वो लाइबल है भारत के कानून के हिसाब से इस एक्ट के लिए। तो लाइबल है तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे एज इफ यू हैव कमिटेड दिस एक्ट विद इन इंडिया। अब देखते हैं आईपीसी एप्लीकेबल कब होता है इन एक्ट पे, कब हो सकता है, किन सिचुएशन में आईपीसी एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे मैंने कहा साहब इस पे एप्लीकेबल नहीं है बट इन दो पे एप्लीकेबल है, तो अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आईपीसी इन दो पे एप्लीकेबल है या नहीं। उसके लिए पढ़िए सेक्शन 4। सेक्शन 4 बताता है एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। कब ये कोर्ट आईपीसी कब एप्लीकेबल होगा भारत के बाहर किए जाने वाले एक्ट पे। तो सिंपल सा है, सिंपल सी सिचुएशन है इसमें। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, फर्स्ट है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी भारत का नागरिक, पर्सन नहीं लिखा, लिखा है एनी सिटीजन, तो भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर जाके कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है विच इज एन ऑफेंस एज पर आईपीसी, तो उसको ट्रीट किया जाएगा या वो ऑफेंस गवर्न होगा बाय आईपीसी, आईपीसी उस पर एप्लीकेबल होगा। इंडिया का सिटीजन भारत के बाहर जाके कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, तो आईपीसी उस एक्ट पे भी एप्लीकेबल होगा भले ही वो भारत के बाहर कमिट किया गया हो, अगर इंडियन सिटीजन ने किया। जैसे भारत का एक नागरिक विदेश जाता है और वहां थेफ्ट कमिट करता है, तो वो एक्ट भले हुआ फॉरेन टेरिटरी पे है बट आईपीसी से वो गवर्न होगा या आईपीसी उस पर एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि उस पर आईपीसी एप्लीकेबल है इसीलिए एज पर सेक्शन 3, इसीलिए एज पर सेक्शन 3 अपन इस एक्ट को ऐसे डील करेंगे एज इफ दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ये बेसिकली कोरिलेशन है 3 और 4 का। अगला देखिए सेकंड, कब हम ट्रीट करेंगे बाहर कमिट हुए एक्ट को, आईपीसी कब एप्लीकेबल होगा। तो सेकंड इज एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हेनेवर सॉरी वेयर एवर इट मे बी। कोई भी एयरक्राफ्ट या शिप है जो भारत में रजिस्टर्ड है, अब वो कहीं भी फ्लाई कर रहा हो, कहीं भी सेल कर रहा हो, वो शिप इससे मतलब नहीं है, हाई सीज में है, किसी दूसरे की टेरिटरी में, इससे मतलब नहीं है। अगर वो शिप या एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है, उस शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई भी व्यक्ति ऑफेंस कमिट करे, यहां सिटीजन से भी मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति उस पे, मान लीजिए इस पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि साहब एक इंग्लैंड का सिटीजन एक अमेरिकन सिटीजन की जान ले लेता है एक ऐसे एयरक्राफ्ट में जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो आप बताइए क्या इस एक्ट पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा या ये गवर्न होगा आईपीसी से। तो आंसर इज यस, क्योंकि शिप या एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में उस पर कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट करेगा आईपीसी उस पर एप्लीकेबल है, और क्योंकि उस पर आईपीसी एप्लीकेबल है इसीलिए उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा एज इफ दैट एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ये बात आपको सेक्शन 3 पहले ही बता चुका है। आई होप द आइडिया इज कन्वेड टू यू। तीसरी बात और देख लीजिए, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति कहीं भी लोकेटेड हो, अगर वो भारत में सिचुएटेड किसी कंप्यूटर रिसोर्स को लोकेट करके ऑफेंस कमिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है किसी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स को जो भारत में लोकेटेड है, उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वो भी आईपीसी में गवर्न होगा भले ही वो करने वाला व्यक्ति, एक्ट कमिट करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में है या भारत की टेरिटरी के बाहर है, तब भी उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा इसीलिए अपन उसको ऐसे ट्रीट करेंगे एज इफ द एक्ट हैज बीन कमिटेड इन इंडिया।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से आपको तीन और चार का कोरिलेशन समझ आ गया। चार के बारे में ये, सेक्शन फोर के बारे में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सेक्शन फोर किन किन केसेस में एप्लीकेबल है, कब आईपीसी एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया बाहर जाके कोई ऑफेंस करे, दूसरी बात इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या शिप पे कोई ऑफेंस कमिट हो, कोई भी पर्सन करे, तीसरा इंडिया में सिचुएटेड किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके ऑफेंस कमिट किया जाए, इट विल बी और आईपीसी विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट, एंड बिकॉज आईपीसी इज एप्लीकेबल दैट एक्ट मे बी और दैट ऑफेंस मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, उसको कंसिडर कर सकते हैं एज इफ। अब भारत में कहां ट्रायल होगी, इसके लिए सीआरपीसी का एक प्रोविजन याद रखिएगा, इन्हीं के साथ पढ़ना आपको आईपीसी का प्रोविजन 188, ये भी ध्यान रखिए भैया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताएगा आईपीसी का 188, सॉरी सीआरपीसी का जो 188 है ये प्रोसीजरल लॉ है, बट सीआरपीसी का 188 आपको ये बताता है कि इसकी ट्रायल भारत में कहां होगी। तो 88 कहता है कि जहां पे भी अक्यूज मिलेगा भारत में, वेर एवर ही इज फाउंड, वेर एवर द अक्यूज्ड इज फाउंड इन इंडिया, वहीं उसकी ट्रायल हो जाएगी उसी टेरिटरी, उस जगह पे जिस भी कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा वो कोर्ट उसको ट्रायल कर लेगा। और इसका इलस्ट्रेशन आप देखिए सेक्शन फोर में दिया है, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहां भी भारत में पाया जाए उसके अगेंस्ट ट्रायल वहां चल जाएगी। ये बात हमें किसने बताई, 88 ने। तो अब मेरे ख्याल आप उस कोरिलेशन को समझ पाए कि तीन का मतलब क्या है, चार का मतलब क्या है, और 188 सीआरपीसी का मतलब क्या है, और इनमें डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है भैया। उठा के बस याद कर लिया है तो शायद अब काम नहीं चलेगा, जिस हिसाब का कंपटीशन और जिस हिसाब के पेपर अब बन रहे हैं, थोड़ा सा समझना भी जरूरी है इन चीजों को। तो 188 भी मेरे ख्याल आपको समझ आया कि वो जगह बताएगा कि ट्रायल किधर है। सेक्शन 3 ने ये तो बता दिया कि इस एक्ट को हम ये ट्रीट कर सकते हैं एज इफ इट इज कमिटेड इन इंडिया, लेकिन उसकी ट्रायल किधर होगी इसके बारे में 188 सीआरपीसी आ जाएगा। सो दैट इज द कोरिलेशन और दैट इज द लिंक बेसिकली बिटवीन दीज प्रोविजंस। इलस्ट्रेशन जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी आते हैं। एक सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ, आप जरा बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि आपने टेरिटोरियल एप्लीकेशन पढ़ लिया है मेरे साथ, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जवाब बता पाए। एक सवाल आता है कि भारत की सॉरी पाकिस्तान, जैसे मान लीजिए ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया और ये बॉर्डर है हमारी, यहां पे एक व्यक्ति है जिसने गोली चलाई है और भारत में जो व्यक्ति ये खड़ा हुआ था इसको उसने गोली मारी, शूट जो इसने किया यहां से किया बंदूक लेके एक व्यक्ति को गोली मारी है जो कि भारत में है, इसकी डेथ कॉज हो जाती है। अब आप बताइए क्या आईपीसी इस पे एप्लीकेबल होगा, इस एक्ट पे, क्या ये मान लीजिए ये ए है ये बी है, क्या ए के इस एक्ट पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा, पाकिस्तान में खड़े होकर गोली चलाई है उसने और बी की डेथ हुई है इंडिया की टेरिटरी पे भारत में, बताइए अगर एप्लीकेबल है या नहीं आईपीसी यहां, व्हाट्स द करेक्ट आंसर। कृति का कहना है नो, बाकी लोगों का कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं यस, ऑल राइट, कुछ कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं यस। यस सपना कह रही है यस, तनवीर कह रहे हैं यस यस। आईपीसी इज एप्लीकेबल बिकॉज द कंसिक्वेंस, जिस कंसिक्वेंस को एक्टस रियस जो मैंने बताया, जो ह्यूमन कंडक्ट का जो कंसिक्वेंस है, इफ दिस कंसिक्वेंस इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया देन दिस ऑफेंस शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज कमिटेड इन इंडिया, देन दिस ऑफेंस विल बी कंसीडर्ड एज इफ इट इज कमिटेड विद इन इंडिया बिकॉज द कंसिक्वेंस इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट ह्यूमन कंडक्ट विच इज प्रोहिबिटेड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सो आईपीसी इज एप्लीकेबल। चलिए